हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल होम स्कूल बाय राउट टीचर आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस पार्ट टू हिस्ट्री इस विषय का क्वेश्चन पेपर देखेंगे आने वाले फाइनल एग्जाम में पार्ट टू हिस्ट्री का पेपर किस तरीके से आ सकता है इसके बारे में आज हम जानेंगे यह पेपर फोर्टी मार्क्स का रहेगा इसका पोर्शन रहेगा चैप्टर सिक्स से लेकर टेन्थ तक क्वेश्चन वन ए Select the appropriate alternatives and complete the following statements. means उचित विकल्प का चयन करके निचे के statement पूरा करना है आपको. First है the period in which tools were made from stone is called flint blanks age. means वह काल जिसमें पत्थर के टूल्स बनाए जाते थे वह क्या कहलाता है? ब्रैकेट में वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कॉपर आयरन स्टोन इन तीनों में से जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन आपको चूज करना है और लिखना है सेकंड, अ वेल नो ओल्ड स्टोन एज साइट्स इन महाराष्ट्र इज एट इन द ब्लैंक्स नियर नासिक मीन्स महाराष्ट्र में नासिक के पास ओल्ड स्टोन एज के प्लेस है वह कौन सा है यह आपको दिए गए ब्रैकेट में से चुनकर लिखना है गंगापुर सिन्नर चांदवाड़ इन तीनों में से जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन हमें चूज करना है थर्ड इन द ब्लैंक्स अ मॉडर्न मशीन हैज स्टोन ग्रिंडर मीन्स मॉडर्न मशीन में पत्थर की चक्की है मीन्स ब्रैकेट में दिए गए ऑप्शन में से किस में स्टोन की चक्की है ऑप्शन है मिक्सर मिल जूसर सही ऑप्शन चूज करके आपको लिखना है फोर्थ archaeological evidence show that agriculture first began about 11000 years ago in israel and fill in the blanks means archaeological evidence से यह पता चला कि सबसे पहले खेती यह 11000 years पहले शुरू हो चुकी है वह सबसे पहले israel और कहाँ पर शुरू हुई है ब्रैकेट में दिए गए ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन चूज करके लिखना है ऑप्शन है ईरान इराक दुबई इनमें से सही ऑप्शन हमें चूज़ करना है फिफ्थ नंबर पर है द हाउसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वेयर मेड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स न्यू स्टोन एज में घर किस चीज़ से बनते थे दिए गए ऑप्शन हैं अर्थ ब्रिक्स वेटल एंड डब इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमें चूज करना है क्वेश्चन वन बी अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नीचे दिए गए वर्ड्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है फर्स्ट है कॉपर गोल्ड आयरन इन तीनों वर्ड्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है सेकंड है कॉपर एज आयरन एज स्टोन एज यहाँ पर तीन एज दिए गए हैं इनमें से पहला एज कौन सा है दूसरा एज कौन सा है और तीसरा एज कौन सा है यह हमें ढूंढ के लिखना है यह क्वेश्चन दो मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन टू ए राइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए गए स्टेटमेंट के नीचे दी गई खोज या आविष्कार के क्या परिणाम हुए हैं इसके बारे में लिखना है फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ कॉफर मीन्स कॉफर की खोज इसके क्या परिणाम हुए हैं यह आपको लिखना है सेकंड है इन्वेंशन ऑफ व्हील मीन्स व्हील का आविष्कार विल के आविष्कार का क्या परिणाम हुआ है मानव जगत पर वह आपको लिखना है थर्ड है यूज ऑफ स्क्रिप्ट मीन्स लिपि का प्रयोग लिपि का प्रयोग होने से कौन कौन से परिणाम हुए हैं यह आपको लिखना है यह क्वेश्चंस थ्री मार्क के लिए हैं क्वेश्चन टू बी राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यह क्वेश्चन थ्री मार्क्स के लिए हैं नीचे दिए गए टर्म्स का मीनिंग आपको लिखना है फर्स्ट है कल्चर मीन्स संस्कृति सेकंड है मेसोपोटामिया एंड थर्ड है प्रकर्शन टेक्निक्स मीन्स प्रकर्शन तकनीक के बारे में आपको लिखना है क्वेश्चन थ्री आंसर एनी फाइव ऑफ़ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस एच नीचे दिए गए क्वेश्चन में से फाइव क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है यह क्वेश्चन फाइव मार्क्स के लिए हैं मीन्स वन क्वेश्चन के लिए वन मार्क्स फर्स्ट विच एनिमल डेट द होमोसेपियंस मेनली हंट मीन्स होमोसेपियंस मुख्यतः कौन से जानवरों का शिकार करते हैं इसका आंसर आपको लिखना है सेकंड है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू स्टोन एज मीन्स न्यू स्टोन एज की विशेषताएँ क्या है वह आपको लिखना है थर्ड वेयर डिड द पीपल ऑफ़ न्यू स्टोन एज इस्टेब्लिश देयर विलेज सेटलमेंट्स मीन्स न्यू स्टोन एज के लोगों ने अपनी बस्तियाँ कहाँ स्थापित की थी इसका आंसर भी आपको लिखना है नंबर फोर है व्हाट आर्टिकल्स वे आर मेड बाय द स्किल्ड हरप्पन स्क्राफ्टमैन जो स्किल्ड हरप्पन स्क्राफ्टमैन थे उनके द्वारा कौन सी चीज़ें बनाई गई थी उन चीज़ों के बारे में आपको लिखना है फिफ्थ नंबर पर है नेम टू सिटीज फेयर द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवरिड मीन्स हरप्पन सिविलाइजेशन की खोज की गई ऐसी दो जगहों के नाम लिखना है नंबर सिक्स फॉर व्हाट परपज वे आर द साइन एंड सिम्बॉल्स यूज मीन्स सिम्बल और साइंस का यूज किस उद्देश्य से किया जाता था नंबर सेवन डिफाइन द टर्म्स कॉफरेज कॉफरेज इस टर्म को हमें डिफाइन करना है मीन्स उसे परिभाषित करना है या उसका अर्थ लिखना है क्वेश्चन फोर आंसर एनी फोर ऑफ़ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ यह क्वेश्चन एट मार्क्स के लिए हैं नीचे दिए गए सिक्स क्वेश्चन में से फोर क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखना है मीन्स वन क्वेश्चन के लिए टू मार्क्स दिए गए हैं फर्स्ट राइट एनी टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हरपन सिविलाइजेशन्स मीन्स हरपन सिविलाइजेशन के दो विशेषताएँ लिखना है सेकेंड वॉट आर द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द डोमेस्टिकेटिंग्स वाइल्ड एनिमल मीन्स वाइल्ड एनिमल को पालतू बनाने के जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की स्टेप बाय स्टेप आपको इंफॉर्मेशन लिखना है थर्ड है राइट द रिवोल्यूशंस ब्रॉट अबाउट द होमोसिपियन इन द टेक्निक्स टू टूल मेकिंग होमोशिपियंस द्वारा औजार बनाने में जो तकनीक लाई गई है वह कौन सी क्रांति है वह आपको लिखना है नंबर फोर राइट अबाउट द शल्टर ऑफ द नियंडरथल नियंडरथल के शेल्टर के बारे में मीन्स उनके घरों के बारे में लिखना है नंबर फाइव डिस्क्राइब द थ्री एज सिस्टम ऑफ क्रिस्टियन थॉम्सन मीन्स क्रिस्टियन थॉम्पसन की थ्री ए सिस्टम को वर्णित करना है यानी उसके बारे में हमें लिखना है नंबर सिक्स राइट अबाउट द चाइनीज सिविलाइजेशन मीन्स चाइनल जो प्राचीन चाइनीज सिविलाइजेशन है उसके बारे में आपको लिखना है क्वेश्चन फाइव गिव रीजन्स फॉर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यह क्वेश्चन एट मार्क्स के लिए है और नीचे जो सिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से फोर क्वेश्चन के आंसर हमें लिखना है उनमें से फर्स्ट है द सॉइल ऑन द बैंक ऑफ रिवर नायल बिकम फर्टाइल मीन्स नाइल नदी का तट फर्टाइल हुआ है इसका क्या रीज़न है यह आपको लिखना है सेकंड है सम विलेज सेटलमेंट एक्सपेंडेड रैपिडली मीन्स कुछ बस्तियां जो कि तेजी से विस्तारित हुई है तेजी से विस्तारित हुई है इसके बारे में आपको लिखना है कि वह क्यों विस्तारित हुई है इसके कारण हमें बताने हैं थर्ड है सम पीपल इन द कम्युनिटी बिकम स्किल्ड क्राफ्टमैन मीन्स समुदाय के कुछ लोग कुशल कारीगर बन गए वह क्यों बन गए उसके क्या रीजन से हमें वह रीजन्स लिखना है नंबर फोर द डाइट ऑफ द होमोसिपियंस अंडरवेंट अ चेंज मीन्स होमोसेपियंस के आहार में बदलाव आया वह बदलाव क्यों आया है इसके रीजन्स हमें लिखना है नंबर फाइव द होमोसिपियंस वेयर रिक्वायर्ड टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स मीन्स होमोसेपियंस एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना आवश्यक था उनका एक ही जगह पर लंबे समय तक क्यों रहना आवश्यक था इसके कारण आपको लिखना है नंबर सिक्स द टूल्स मेड बाय द होमो इरेक्टस वे आर मोर प्रोपर्शनेट एंड सिस्टेमेटिक देन दोज मेड बाय द होमो मींस मीन्स इरेक्टस द्वारा बनाए गए उपकरण होमो हैबिलिस द्वारा बनाए गए उपकरणों की तुलना में अधिक अच्छे और व्यवस्थित थे इसके क्या कारण हैं यह आपको लिखना है क्वेश्चन सिक्स राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स नीचे दिए गए थ्री क्वेश्चन में से किसी दो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है यह क्वेश्चन सिक्स मार्क लिए हैं वन क्वेश्चन को थ्री मार्क्स दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यूजफुलनेस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स की उपयोगिता इसके बारे में आपको लिखना है सेकंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इन द एशियन सिटीज मीन्स इस एशियन सिटीज में जो सामाजिक संगठन है उस संगठन के बारे में आपको लिखना है नंबर थ्री कंपेरिजन ऑफ स्टोन टूल्स ऑफ द थ्री फिरेट्स ऑफ द स्टोन एज मीन्स स्टोन एज के तीन कालों के पत्थरों के औजारों की तुलना कीजिए मीन्स स्टोन एज में जो तीन काल बताए गए हैं उन तीन कालों में जो पत्थरों से औजार बनाए गए हैं उन औजारों के बारे में उनकी तुलना करके हमें लिखना है इस तरह यह मॉडल क्वेश्चन है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू